आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड की लगभग 25 फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल यात्रा मास्टर पे। और मैं अभी पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर की यात्रा पे हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले एपिसोड को, जैसलमेर ट्रैवल की सीरीज़ को, खूब एंजॉय किया होगा। और इस समय मैं खड़ा हूँ जैसलमेर से, शहर से जस्ट 6-7 किलोमीटर दूर रामगढ़ कनॉट रोड पे। और यहाँ आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्मारक देख रहे होंगे। फाइटर भी जा रहा है, देखो ऊपर से ये फाइटर जा रहा है, ये देखिए ये फाइटर गया इधर। तो कनॉट रोड पे ये एक पवित्र स्थल है, जैसलमेर राजघराने की पवित्र समाधियां हैं, छतरियां हैं, बहुत ही यूनिक और ऐतिहासिक हैं। अभी अपन इनका विजिट करेंगे। और इतिहास के बारे में बात करूं तो कोई ज़्यादा इतिहास नहीं है, मैं अंदर चल के सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आइए पहले इनका विजिट करते हैं और क्या इतिहास है, कितने साल पुरानी, कब से ये शुरू हुई थी और क्या क्या इनकी विशेषताएँ हैं, अट्रैक्शन यहाँ का क्या है, ये सारी चीज़ें अपन अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, बड़ा बाग, इस पवित्र स्थल का विजिट करते हुए हम यहाँ ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ मेरे फ्रंट में सामने हैं बहुत सी छतरियाँ हैं और पीछे आप ये नीचे की तरफ देख रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है और क्या इनका इतिहास है। तो ये जो छतरियाँ हैं, ये जो जगह है पूरी, ये पवित्र स्थल है। जैसलमेर के राजवंश के जितने भी, आज से लगभग 800 साल पहले, यानी इसकी शुरुआत लगभग 800 साल पहले हुई थी, राज परिवार से संबंधित जितने भी लोग थे उनकी सबकी यहाँ समाधियाँ बनी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि ये उनका पवित्र स्थल है, यहीं उनकी अंत्येष्टि हुई थी और यहाँ उनकी यादगार में एक एक करके सब पे, हालांकि मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जितने भी अलग अलग छतरियाँ हैं उन पे सब पे उनके बारे में लिखा हुआ है। एक पत्थर अंदर छतरी के नीचे एक पत्थर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। और ये इधर बहुत सी छतरियाँ रह गई और लगभग, अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 800 साल से लगातार जैसलमेर राजवंश, जैसलमेर राज परिवार के जितने भी लोग हुए हैं उनकी सबके पवित्र स्थल, समाधि स्थल यहीं बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक 800 साल में लगभग बहुत लंबी श्रृंखला बन गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वर्तमान जो राजवंश, राज परिवार के जो लोग हैं, आज भी वही परम्परा जारी है। और आगे से आगे, जैसे अभी मैंने नीचे पता किया था कि जो सबसे ताज़ा जो समाधि स्थल है वो उधर नीचे है। जितने भी आज भी राज परिवार से संबंधित लोग अगर कोई अपनी उम्र पूरी करते हैं तो उनका समाधि स्थल यहीं बनाया जाता है और इसको पवित्र स्थल के रूप में जान सकते हैं। बड़ी बात यह है, ख़ास बात यह है कि यहाँ जो इसका जो आर्किटेक्ट है इन छतरियों का, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है। नई जो छतरियाँ बनी हुई हैं मैं अभी आपको दिखाऊँगा, उसको भी वही ट्रेडिशनल लुक दिया गया है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो मुख्य जो आकर्षण है यहाँ का, या ये जो छतरियाँ हैं, बहुत ही इनका जो व्यू है बहुत ही शानदार आता है और जो इनका आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, बहुत ही बारीकी और बहुत ही सुंदर है। पूरे पीले पत्थर से ये चीज, सारे जो स्मारक हैं, सारे जो पवित्र स्थल हैं, सारे पीले पत्थर का, जैसलमेर का जो प्रसिद्ध पत्थर है उसका उपयोग किया गया है और कलात्मकता से इनको बनाया गया है। पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का बिंदु यही है, यहाँ बहुत ही शानदार अच्छे फोटोशूट्स एंड वीडियोज आप कर सकते हैं। अभी मैं नीचे देख रहा था, एक वेडिंग, प्री वेडिंग शूट भी चल रहा था नीचे,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड की लगभग 25 फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है और अभी साउथ फिल्म स्टार प्रभास जो हैं उनका आगमन होने वाला है, क्योंकि प्रबंधन के द्वारा अभी उनको अनुमति नहीं मिली है, तो प्रभास अपनी एक साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग यहीं करने जा रहे हैं और अगले महीने में शायद उनका शूटिंग शेड्यूल यहाँ से शुरू होगा। तो ये तो था इसका, यहाँ का जो बड़ा भाग जो छत्रियाँ हैं, बड़ा भाग जो पवित्र स्थल है, समाधि स्थल हैं जैसलमेर राज परिवार की, उनका ये जो आकर्षण है, विशेष बात यह है पर्यटकों को आकर्षित इसलिए करता है क्योंकि यहाँ जो आर्किटेक की जानकार लोग हैं, रुचि रखने वाले हैं, इतिहास में रुचि रखने वाले हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि 800 साल का इतिहास ये पवित्र स्थल जैसलमेर राज परिवार का अपने आप में समेटे हुए है। और दूसरी बात यह है पर्यटकों का आकर्षण इसलिए है कि यहाँ के जो व्यू है ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये स्थल और यहाँ से जो व्यू आते हैं फोटो के, फोटोशूट्स और वीडियोज़ के, बहुत ही शानदार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो सबको अच्छे व्यू चाहिए, तो उसके लिए ये परफेक्ट जगह है। आइए मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ आपकी। यहाँ देखिए बहुत सी समाधियाँ जो प्राचीन सबसे पुरानी है वो ऊपर रह गई, एक बार दिखाना उधर देखें, ये सबसे, ये जो आपको समाधि स्थल दिख रहे हैं पवित्र स्थल, वो सबसे पुराने हैं और फिर उधर से लेकर के जैसे 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 समय आगे बीतता गया ये आगे नवीन है, नई पीढ़ियों की हैं। और इधर देखो मैं आपको दिखाऊं सबसे नई ताज़ा कुछ साल पहले की वो जो बड़ी समाधि दिख रही है छत्रिय वो है, उसके बाद की देखिए सबसे पवित्र सबसे न्यू ये है। और इधर थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए ये तीन समाधियाँ इस पेड़ के नीचे से दिख रही होंगी, तीन समाधियाँ अभी निर्माण होना बाकी है, ये ताज़ा ही जैसलमेर राज परिवार के लोगों की हैं, जिन पे मटके, दिखाना एक बार देखिए वो मटके रखे हुए दूर नीचे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर छतरियाँ बननी बाकी हैं क्योंकि ये सबसे ताज़ा हैं, नई हैं। जैसा मैंने बताया था कि जैसलमेर के राज परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहीं होता है और यहीं पर उनकी छतरियाँ उनकी यादगार में निर्मित की जाती हैं, परंपरा अनुसार जो प्राचीन काल से 800 साल से चली आ रही उसी परंपरा का निर्वहन अभी भी हो रहा है। इनकी कलात्मकता बहुत सुंदर है, कुछ शूट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी तो दोस्तों देखिए इन छतरियों का बड़ा बाग के जो समाधि स्थल हैं छतरियाँ हैं कलात्मक, इनका हमने पूरा विजिट कर लिया है और मैं इसके अंतिम जो दक्षिण छोर है वहाँ अभी बैठा हुआ हूँ एक छतरी के नीचे। तो अब सीन ये है कि देखिए जो मेरे पीछे जो छतरियाँ दिख रही हैं, ये छतरियाँ आप जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ये पूरी श्रृंखला, ये सबसे प्राचीन समाधि स्थल हैं जैसलमेर राज परिवार के। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे उसी हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी जो नवीनतम जो समाधि स्थल है वो आपको उत्तर की साइड में अभी मैंने पहले दिखाया भी था उधर मिलेगा आपको। और यहाँ का एक नज़ारा जो है ना विहंगम, ये जगह इतनी शानदार है क्योंकि अभी भी एक देखिए प्री वेडिंग शूट वहाँ चल रहा है, बहुत सी फिल्मों की बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई हुई है। तो अब अपन उत्तर की तरफ चलते हुए मैं कुछ सीन आपको देखिए कितने विहंगम दृश्य और कितना शानदार दृश्य यहाँ से इनका दिखाई दे रहा है और यही देखने के लिए लोग आते हैं, फोटोशूट करते हैं, इनके इतिहास के बारे में जानते हैं और अपनी यादें समेटते हुए जैसलमेर घूमने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम थोड़ा। तो देखिए बड़ा बाग छतरियों का हमने पूरा भ्रमण कर लिया, करीब घंटा भर हमें हो गया है, यहाँ के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी मैं जुटा पाया वो सारी मैंने आपको बताई है। और सभी समाधि स्थल पर छतरियों पर नंबरिंग की गई है, सब पे क्रम से नंबरिंग है और बहुत ही कलात्मक छतरियाँ हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और अब हम इस वीडियो को बड़ा बाग जो ये व्लॉग है इसको समाप्त करेंगे और मिलेंगे जैसलमेर के ही किसी अगले व्लॉग में अगली जगह पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।